हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा एलायंस टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर डेली करेंट अफेयर सेशन इन विच वी विल कवर इम्पॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम सेवरल न्यूज़पेपर पीआईबी एंड वेरियस गवर्नमेंट सोर्सेस सो लेट्स बिगिन आवर सेशन और फर्स्ट टॉपिक इज विजिंगजम पोर्ट हम जानेंगे विजिंगजम पोर्ट के बारे में अडानी ग्रुप विजिंगडम पोर्ट सेट टू बी कम्पलीटेड बाई टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर नियर तिरुवनपुर इन केलाटाइम इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आपका अडानी ग्रुप का विजिंगडम पोर्ट है जो कि कम्प्लीट हो जाएगा 2024 में ये आपका तिरुवनपुर केरला पे होगा ये आपका ट्रांसफॉर्म कर देगा कंट्री के मेरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को ये पोर्ट कहाँ पे सिचुएटेड होगा इम्पोर्टेंट हो जाता है किसका पोर्ट है ये भी क्या फीचर इस पोर्ट की इंडिया फर्स्ट डीप वॉटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट ये भारत का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिप होगा प्रॉक्सिमिटी टू इंटरनेशनल शिपिंग रूट कनेक्टिंग यूरोप गल्फ एंड ईस्ट एशिया इसका जो प्रॉक्सिमिटी है इंटरनेशनल शिप रूट के पास होगा ये कनेक्ट करेगा यूरोप गल्फ और ईस्ट एशिया को दि ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल कैन हैंडल अल्ट्रा लार्ज शिप एंड मेक इंडिया एंट्री इंटू दि ट्रांसशिपमेंट क्लब ये जो ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल होगा ये हैंडल करेगा अल्ट्रा लार्ज शिप को और वो भारत के एंटाइटी को ट्रांसशिपमेंट क्लब में करने में मदद करेगा इट है पोटेंशियल टू कम्पीट विद ग्लोबल पोर्ट लाइक कोलम्बो सिंगापुर पोर्ट कलैंग एंड जेबल अली इसका पोटेंशियल होगा की कम्पीट कर पाएगा ग्लोबल पोर्ट से जैसे की आपका कोलम्बो सिंगापुर पोर्ट कलैंग जेबल अली जैसे पोर्ट से आपका कम्पीट कर पाएगा आप देख सकते इसके लोकेशन को कहाँ पे होगा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैप बेस्ट क्वेश्चन के लिए भी नेक्स्ट टॉपिक हमारा अर्बन लोकल बॉडी ए एस आई सी एस टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री रिपोर्ट तो जो आपका अर्बन लोकल बॉडी का एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया सिटीज सिस्टम ए एस आई सी एस टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री रिपोर्ट है इसके बारे में हम जानेंगे एडिशन ऑफ एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया ट्वेंटी थ्री रिपोर्ट हैज बिन रिलीज बाई जन आगरा तो किसके द्वारा रिलीज किया गया यह भी इंपॉर्टेंट है तो जो आपका सिक्स एडिशन है एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया सिटीज सिस्टम ए एस आई सी एस टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री रिपोर्ट इसको रिलीज किया गया है जन आगरा के द्वारा ए एस आई सी एस

जो कि क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस का इवेलुएशन करता है इंडियन सिटी के लिए इसको पब्लिश किया गया है फाइव ईयर के गैप के बाद लास्ट इसको पब्लिश किया गया था 2017 में जो आपका एएसआईसीएस रिपोर्ट है इस टाइम का ये फोकस कर रहा है स्टेट को एक यूनिट के रूप में ना कि ये रैंक कर रहा है सिटी को जैसे कि पास्ट में होता था अब हम जन आगरा के बारे में भी जान लें जन आगराज सेंटर फॉर सिटीजनशिप एंड डेमोक्रसी हेडक्वार्टर इन बैंगलुरु फाउंडेड इन टू थाउजेंड वन इज ए नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट वर्किंग टुवर्ड दि मिशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द्वालिटी ऑफ लाइफ इन इंडियन सिटी एंड टाउन जो आपका जन आगरा सेंटर फॉर सिटीजनशिप एंड डेमोक्रेसी जिसका हेडक्वार्टर बैंगलुरु पे है इसको फाउंड किया गया था टू थाउजेंड वन में यह आपका नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट जो की काम कर रहा है जो मिशन है ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर क्वालिटी ऑफ लाइफ का भारत के सिटी और टाउन के लिए की हाईलाइट इस रिपोर्ट का क्या है तो की फाइंडिंग्स को हम जानते हैं पेस ऑफ अर्बेनाइजेशन अगर हम पेस ऑफ अर्बेनाइजेशन की बात करें तो आउटलेट दी मिनिस्ट्री एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर हैटली बट अर्बेनाइजेशन इट आउटपेसिंग रेफॉर्म एफर्ट लीडिंग टू परसिस्टेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ चैलेंजेस जो आपका आउटले है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का उसने इंक्रीज देखा गया है सिग्निफिकेंटली लेकिन जो अर्बेनाइजेशन है यह आउटपेसिंग कर रहा है रेफार्म के एफर्ट को जिसके कारण परसिस्टेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ चैलेंज कर रहा है अर्बन लेजिस्लेशन की बात करें अगर हम फिफ्टी वन परसेंट ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरी लैक एक्सेसिबल अर्बन लेजिस्लेशन इन दी पब्लिक डोमेन तो 51 परसेंट स्टेट व यूनियन टेरिटरी है वो लैक करता है मतलब कमी है एक्सेसिबल अर्बन लेजिस्लेशन की पब्लिक डोमेन में मास्टर प्लान की अगर हम बात करें तो थर्टी इंडियन कैपिटल सिटी जो है उनके पास कोई भी एक्टिव मास्टर प्लान नहीं है रीजनल वेरिएशन ईस्टर्न स्टेट है बेटर अर्बन लेजिस्लेशन फॉलोड बाई साउथर्न स्टेट जो ईस्टर्न स्टेट है वहां पर बेटर अर्बन लेजिस्लेशन है उसके बाद साउथर्न स्टेट में आपका अर्बन प्लानिंग परफॉर्मेंस हाई अर्बनाइज एंड लार्ज स्टेट परफॉर्म बेटर इन अर्बन प्लानिंग जो आपका हाईली अर्बनाइज या लार्ज स्टेट है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है अर्बन प्लानिंग में अगर हम कंपेयर करें अदर स्टेट से तो की चैलेंजेस इन इंडिया सिटी सिस्टम जो मेन चैलेंजेस है भारत के सिटी सिस्टम में डिस्क्रिपेंसी इन पॉपुलेशन एस्टिमेशन तो सबसे बड़ा दिक्कत है जो डिस्क्रिपेंसी है पॉपुलेशन एस्टिमेशन को लेके अलग अलग डाटा सोर्सेज जो कि प्रोवाइड करते हैं अलग अलग एस्टिमेट को इंडिया के अर्बन पॉपुलेशन के बारे में फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन चैलेंज फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन चैलेंज है एडिकेट रेवेन्यू सोर्सेस आर लेकिंग एंड ओनली वन स्टेट हैव है इसेंशियल टैक्स पावर टू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो आपका एडिकेट रेवेन्यू सोर्सेस है इसकी कमी है और सिर्फ एक ही स्टेट ऐसा है जिसने अभी तक डिवॉल्व किया है इटेंशियल टैक्स पावर को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए पुअर प्रॉपर्टी टैक्स एफिशिएंसी जो आपका पुअर प्रॉपर्टी टैक्स एफिशिएंसी है ओनली अबाउट ट्वेंटी परसेंट ऑफ म्यूनसिपल एक्सपेंडिचर इज कवर्ड बाय प्रॉपर्टी टैक्स सजेस्टिंग द नीड फॉर रेवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन एंड एफिशिएंसी मेजर और सिर्फ आपका ट्वेंटी परसेंट ही म्यूनिस्पल एक्सपेंडिचर ऐसा है जिसको कवर किया जाता है प्रॉपर्टी टैक्स के माध्यम से यह दर्शाता है कि आवश्यकता है रेवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन की और एफिशियंसी मेजर्स की मेयर एंड काउंसिलर की अगर हम बात करें तो मेयर एंड काउंसिलर जो है उनके पास लिमिटेड पावर है यह हिंडर करता है उनके एबिलिटी को एड्रेस कर पाने में डिलीवरी इश्यू को और डिवोल्यूशन ऑफ फंड एंड फंक्शन को जो कि आवश्यक है इम्प्रूवमेंट के लिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की बात कही की, 42 24 state, empower, mayor, 42 है अपडेटेड टू रिफेक्ट मॉडर्न अर्बन रियालिटी एंड इम्पावर मेयर एंड एनहेंस गंट फंशन सिर्फ फोर्टी टू परसेंट ऐसा है जिसको इम्प्लीमेंट किया गया स्टेट के द्वारा और जो लॉ जो है उसको अपडेट किया जा रहा है रिफ्लेक्ट करने के लिए मॉडर्न अर्बन रियलिटी को जो कि इम्पावर करेगा मेयर को और एनहेंस करेगा गवर्नेंस के फंक्शन को इसके अलावा जो प्रॉब्लम है तो जैसे कि आपका एबसेंस होना सिस्टमेटिक सिटीजन पार्टिसिपेशन और ट्रांसपेरेंसी का जो कमी है कॉन्टेम्प्रोरी स्पेशल प्लानिंग की और डिजाइन स्टैंडर्ड की पब्लिक यूटिलिटी के लिए रिकमेंडेशन ऑफ द रिपोर्ट क्या रिकमेंडेशन इस रिपोर्ट का रिफॉर्म इन अर्बन गवर्नेंस आवश्यकता है रिफॉर्म की अर्बन गवर्नेंस के लिए इंडियन सिटी मस्ट रिफॉर्म डियर इंस्टीट्यूशनल एंड फाइनेंशियल कैपेबिलिटी टू बेनिफिटिटिटिटिट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस भारतीय सिटी को रिफॉर्म करना होगा उनके इंस्टीट्यूशनल और फाइनेंशियल कैपेसिटी को ताकि उनको बेनिफिट मिल सके सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट से अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज के माध्यम से इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज है ये जो रिपोर्ट है ये सजेस्ट करता है कि जो टेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज है अर्बन रिफॉर्म के लिए जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेट्रोपॉलिटन गवर्नेंस इम्पावर मेयर इन काउंसिल एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस है फाइनेंस की अगर हम बात करें इंक्रीज इन अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड अरेंज अल्टरनेटिव सिटी फाइनेंस प्रीवियसली आइसर्स जज अहलवालिया रिपोर्टेड डेट बाई टू थाउजेंड थर्टी नियरली थर्टी नाइन लैख करोड़ वुड बी रिक्वायर इंक्रीज करने की आवश्यकता है अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को अरेज करना होगा अल्टरनेटिव सिटी फाइनेंस को इसके पहले जो आइसर्स जज अहवालिया रिपोर्ट था टू थाउजेंड थर्टी तक सजेस्ट किया गया था इसमें कि थर्टी नाइन लाख करोड़ की आवश्यकता पड़ेगी अर्बेनाइजेशन एस्टिमेटेड मेथड आपका अर्बेनाइजेशन का एस्टिमेशन करने के लिए जो मेथड है अर्बेनाइजेशन शुड बी एस्टिमटेड यूजिंग डाटा ऑन मोबिलिटी लेबल मार्केट डेंसिटी बिल्ट अप फॉर्म एंड नाइट टाइम डाटा रेडर देन रियली सोलली ऑन स्टेटरी टाउन डेफिनेशन जो आपका अर्बनाइजेशन है इसको एस्टिमेट करना होगा उपयोग करके जो डाटा ऑन मोबिलिटी लेबर मार्केट डेंसिटी बिल्ट अप फॉर्म नाइट टाइम डाटा है ना कि किय करना होगा आपको पूरी तरीके से स्टेटरी टाउन डेफिनेशन के ऊपर क्योंकि उससे क्या होता है पूरी तरीके से एक्चुअल डाटा नहीं मिल पाता है डिवोल्यूशन एंड अर्बन प्लानिंग डेवलप करना होगा ऑथोरिटीज को लीडिंग प्लानिंग को लेकर जो सिटी है उनको लीड लेना होगा रिक्वायर है होगा ट्रेंड अर्बन प्लानर का रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अर्बन गवर्नेंस रिफॉर्म जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अर्बन गवर्नेंस रिफॉर्म के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इम्प्लीमेंटेशन को लेकर अर्बन गवर्नेंस रिफॉर्म का ये लाइक करता है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जो यूनियन गवर्नमेंट है वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और लीडरशिप के माध्यम से लेकिन जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा इम्प्लीमेंटेशन को लेके अर्बन गवर्नेंस का ये पूरी तरीके से लाइक करेगा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कि वो कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे सजेशन बाय द नेशनल टास्क फोर्स दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चेयर बाय केसी शिवरा कृष्णन जो सजेशन दिया गया था नेशनल टास्क फोर्स के द्वारा जो कि रिव्यू करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जिसको चेयर किया गया था केसी शिव रामा कृष्णन के द्वारा कि इम्पावर किया जाए पीपल को ट्रांसफर किया जाए सब्जेक्ट को सिटी गवर्नमेंट के पास टेन परसेंट जो इनकम टैक्स कलेक्ट किया जाएगा सिटी से उसको वापस दे देना चाहिए कॉर्पस फंड की भी बात कही गई है इंश्योर किया जाए कि जो कॉर्पस फंड है उसका उपयोग किया जाए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए ही अदर रिकमेंडेशन फॉर अर्बन लोकल बॉडी अदर देन मेंशन इन द रिपोर्ट इसके अलावा जो रिकमेंडेशन दिया गया है अर्बन लोकल बॉडीज के लिए जो है रिपोर्ट में उसके अलावा जैसे कि मेकिंग अर्बन लोकल बॉडी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट यानी कि अर्बन लोकल बॉडी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया जाए फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन जो है ये बहुत जरूरी है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए अर्बन लोकल बॉडीज का स्ट्रेंथनिंग म्यूनसिपल रेवेन्यू मजबूत करना होगा म्यूनसिपल रेवेन्यू को उपयोग करना होगा टूल्स का जैसे कि जीआईएस हो गया डिजिटाइजेशन करना होगा इनहेंस करने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करना होगा स्टेट प्रॉपर्टी टैक्स बोर्ड को जैसा कि रिकमेंड किया गया था ट्वेल्थ और थर्टीन फाइनेंस कमीशन में रिस्पेक्टिवली फोर्टीन फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि म्यूनिस्पालिटी जो है उनको इनेबल करना होगा कि वो लिवाई करे वैकेंट लाइफ टैक्स को बेटर फाइनेंशियल डाटाबेस तैयार करना होगा मेंटेन करना होगा और एडिट करना होगा अकाउंट को लोकल लेवल पे जो कि जरूरी है एक्सेस कर पाने के लिए परफॉर्मेंस ग्रांट को दोनों ही थर्टीन एंड फोर्टीन फाइनेंस कमीशन में इंक्लूड किया गया है बेटर डाटा अवेलेबिलिटी को एक कंडीशनलिटी के रूप में ताकि एक्सेस किया जा सके परफॉर्मेंस ग्रांट को इन्श्योर एक्टिव सिटीजनशिप पार्टिसिपेशन इंश्योर करना होगा कि एक्टिव सिटीजन का पार्टिसिपेशन हो प्रमोट करना होगा एक्टिव सिटीजन के पार्टिसिपेशन को डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के माध्यम से जैसे कि एरिया सभा हो गया वार्ड कमिटी हो गया ग्रीवेंस रिड्रेसल की अगर हम बात करें तो इस्टेब्लिशिंग टेक्नोलॉजी इनेबल कम्पलेन रजिस्ट्रेशन सिस्टम एंड फीडबैक मैकेनिज्म फॉर रिस्पॉन्सिव सिटी गवर्नेंस इस्टेब्लिश करना होगा टेक्नोलॉजी इनेबल कंप्लेन रजिस्ट्रेशन सिस्टम को और फीडबैक मैकेनिज्म को रिस्पॉन्सिव सिटी गवर्नेंस के लिए एड्रेसिंग गवर्नेंस एड्रेस करना होगा जो गवर्नेंस इश्यू है टैकल करना होगा स्ट्रक्चरल और आर्किटेक्चरल प्रॉब्लम को अर्बन गवर्नेंस के लिए ताकि इम्प्रूव किया जा सके सर्विस डिलीवरी और सिटीजन्स क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंडियाज अर्बनाइजेशन इनिशिएटिव जो भारत का अर्बनाइजेशन इनिशिएटिव है अर्बन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें जैसे कि आज का स्मार्ट सिटी हो गया अमृत मिशन हो गया स्वच्छ भारत मिशन हो गया हृदय हो गया प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन हो गया स्लम ज्वेलर और अर्बन पुअर के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रमोट करना सेल्फ रिलायंस को इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इन्हेंस करके अर्बन गवर्नेंस को जो प्लान है वो स्टार्ट करेगा या जाएगा रूट लेवल से ये इन्वॉल्व करेगा कम्युनिटी को क्यों आइडेंटिफाई करे स्पेसिफिक नीत को इम्पावर करेगा दोनों ही सिटी गवर्नमेंट और जनरल पॉपुलेशन को बहुत जरूरी है ये ये जो इंपावरमेंट होगा ये अचीव किया जा सकेगा रेगुलर इलेक्शन के माध्यम से सिटी पे जिसको की अम्पनीट किया जाएगा ट्रांसफर ऑफ द थ्री एफ फाइनेंस फंक्शन एंड फंक्शनरी के माध्यम से नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूजिंग बम्बू फॉर लैंड स्लिप प्रिवेंशन उपयोग करने की बात कही गई है बम्बू की लैंड स्लिप प्रिवेंशन के लिए तो जानेंगे इसके बारे में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है केरला के उन्होंने प्लान किया है कि वो प्लांट करेंगे बम्बू और बम्बू क्रीपर्स को जो गैप है रोड के स्टेटस में वहां पे कोची धनुष कोदी नेशनल हाईवे इन मुन्नार तक के लिए ताकि रोका जा सके लैंड स्लिप को जो की अनसाइंटिफिक रोड वाइडनिंग के कारण हो रहा है ये जो बम्बू है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये पेनीट्रेट करता है सॉइल पे और प्रिवेंट करता है फ्यूचर लैंडस्लिप को यह इंश्योर करता है सॉइल के प्रोटेक्शन को 2017 में गवर्नमेंट ने अमेंड किया था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को ताकि वो कैटेगराइज कर सके बम्बू को एक ग्रास के रूप में अब क्या कोई भी प्रोहिबिशन नहीं है ग्रो करने में लेके या कट करने में लेके बम्बू ट्रीज को आउटसाइड फॉरेस्ट में बम्बू है क्या ये ग्रो करता है फोर से फाइव फीट डीप सॉइल के अंदर और ये इंश्योर करता है स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन को सॉइल का उपयोग करके बंबू का प्रिवेंट किया जा सकता है लैंडस्लाइड को क्योंकि ये पाया गया है कि सक्सेसफुल है बहुत सारे कंट्री जैसे कि मलेशिया फिलीपींस नेपाल जैसे कंट्री पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थियोसोफिकल सोसाइटी तो हम जानेंगे थियोसोफिकल सोसाइटी के बारे में पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है एटीन हेलेना पेट्रोविना ब्लसिकी एंड हेनरी स्टील ओलोकोट फाउंडर ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी स्टेब्लिश दि सोसायटी हेडक्वार्टर इन अडियार मद्रास इंडिया 1879 में हेलेना पेट्रोना वेल्सकी एंड हेनरी स्टील ऑलकोट जो कि फाउंडर थे थियोसोफिकल सोसाइटी के इन्होंने स्टेब्लिश किया था सोसाइटी के हेडक्वार्टर को कहां पे? एडियार मद्रास में भारत के ये जो सोसाइटी है इसका मकसद था इन्वेस्टिगेट करना अनएक्सप्लेन नेचुरल लॉ को और जो लेटेंट ह्यूमन पावर था स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के माध्यम से वेल्सिक का मानना था कि वो प्रोसेस करता है साइकिक एबिलिटी को जिसमें कि कम्युनिकेशन विथ महात्मा और एस्ट्रल प्लेन था लेकिन 1884 पे एलिगेशन लगा उनके ऊपर ड्यूबियस नेचर को लेके कि ये जो पावर है ये मेजर कंट्रोवर्सी है थियोसोफिकल सोसाइटी ये आपका ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी है थियोसोफी के लिए ये एक न्यू रिलीजियस मूवमेंट था थियोसोफी एक फिलोसफी है जो की कम्बाइन करता है मिस्टिज्म को स्पिरिचुअलिज्म के साथ ये जो है टीच करता है जो पर्पस है ह्यूमन लाइफ का जो कि स्पिरिचुअल इमेन्सिपेशन है और जो ह्यूमन सोल अंडरगोज करता है री इनकारग्रेशन को बॉडी के डेथ के बाद थियोसोफी प्रमोट करता है जो वैल्यू है यूनिवर्सल ब्रदरहुड का और सोशल इम्पावरमेंट का थियोस्पिकल सोसाइटी को फाउंड किया गया था न्यूयॉर्क सिटी में 1875 में किसके द्वारा तो ये इंपॉर्टेंट है हेलेना बेल्फिकी के द्वारा जो कि एक यूक्रेनियन मिस्टिक एंड प्रिंसिपल थिंकर थे सियोलॉजिकल मूवमेंट के हेनरी स्टील ओलोकेट जो कि पहले प्रेसिडेंट है थियोसोफिकल सोसाइटी के चार्ल वेबस्टर लीडर भीतर और विलियम क्वेन जज के द्वारा ल सोसाइटी का हेडक्वार्टर को स्टेब्लिश किया गया था आरियार मद्रास के पास चेन्नई में एटीन एटी टू पर एनी बेचन ने पॉपुलराइज किया था इस मूवमेंट को भारत में दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक फ्रॉम कैन स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड गिव अस योर गएल फीडबैक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे